नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यंग मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल सेल्फ स्ट्रक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब मंडे के लिए मंडे ट्वेंटी सेकेंड मार्च 2021 के लिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूँगा। इसमें मैंने निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करूँगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा और बहुत सारा डाटा एनालिसिस करूँगा। निफ्टी का डायरेक्शन फोरकास्ट करने का कोशिश करूँगा और निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाऊँगा, जो आप लोग जरूर नोट कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड जोन दिखाऊँगा, वो भी आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और उसके साथ कुछ स्टॉक्स का पोजिशनल व्यू दिखाऊँगा और निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक और कुछ ऑप्शन का बाइंग सेलिंग लेवल्स दिखाऊँगा, बाइंग सेलिंग एक्सेल शीट से। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इसको जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने निफ्टी बैंक मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का स्ट्रेटजीज है, सेटअप्स है, जो आप लोगों को इस बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लाइव मार्केट दिखाता हूँ, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और जो स्ट्रेटजी आप लोगों सर ऑलरेडी शेयर किया है, मेरे यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, इसमें आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी अटेंड कर सकता है, इसमें आप लोगों को बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत सारा चीज़ सिखाया जाएगा। और एंजल बुकिंग आस्था टेड एलिस टू आप स्टॉक्स में ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा, इसमें आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट है और मेरी तरफ से भी बेनिफिट दिया जाएगा, आप लोग मेरा कॉल सर्विस ट्रेनिंग लेंगे तो ठीक है। तो देखिए, मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हूँ। मैंने पहले जैसा बोला था, ये लगातार पाँच दिन बेयरिश ट्रेंड दिया था, इधर से ऐसे ये नीचे आ रहा था ठीक है। तो इधर से ये थोड़ा सा अपसाइड में जाने का इसका प्रोबेबिलिटी बनेगा ठीक है। मार्केट ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है और इधर से देखिए ये जो बड़ा टाइम फ्रेम में ये जो हायर आई हायर लो बना के चल रहा था, इधर से ये जो लास्ट जो इसका हाई था, ये बहुत दिन से ये नीचे नहीं आया ठीक है। इधर से एक लोअर लो भी बना था ठीक है। तो ये जो हाई था इसका ये इधर से ये मतलब ये ब्रेक नहीं हो पा रहा, ये थोड़ा सा अपसाइड में फिर से जा सकता है, इसके बाद फिर से इसका बड़ा फॉल आने का प्रोबेबिलिटी बनेगा ठीक है। मार्केट में आज तो एक जो पैटर्न बना है वो उसके बारे में बोलता हूँ। इधर एक सॉलिड बॉडी बियरिश कैंडल और ये जो अगला जो कैंडल है इसका 50% के ज़्यादा ये पियर्स किया है, मतलब 60% के ज़्यादा ये ऊपर गया है, मतलब ये एक पियर्सिंग पैटर्न बोलता है इसको, पियर्सिंग पैटर्न। ये थोड़ा सा अपसाइड जाने का रिवर्सल ट्रेंड जरूर ये दिखा रहा है ठीक है, लेकिन ट्रेंड इसका बियरिश है क्योंकि ये आप लोग मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो आप लोग जानते ही है। ये हायर हाई लो बना के ऊपर सॉल्ड है, 10-12 हज़ार से 2000 के ऊपर जब मतलब जब 12000 के नीचे जब तक नहीं जाता है तो ये 11000 बियरिश प्राइमरी ट्रेंड इसका बुलिश ही रहेगा, लेकिन फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म ये बियरिश ट्रेंड इसका दिख रहा है ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है पहले इसका डेली चार्ट में RSI को देख लूँगा, RSI ADX MACD वॉल्यूम क्या दिखाता है। वॉल्यूम देखिए जीरो मतलब नीचे नेगेटिव दिख रहा है ठीक है, और MACD लाइन भी नीचे दिख रहा है, MACD लाइन भी नीचे दिख रहा है और RSI का जो पोजीशन है ये 45 का ऊपर 45 का जस्ट ऊपर गया है, लेकिन 50 का नीचे है ठीक है, 50 का नीचे है। और ADX का जो माइनस DI है, ये जो येलो वाला लाइन है ये माइनस DI है और ब्लू वाला प्लस DI है, तो माइनस DI प्लस DI के ऊपर है, लेकिन स्ट्रेंथ इसमें कम है, 1500 के ऊपर स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है ठीक है। तो मतलब मार्केट स्टील बियरिश ठीक है, लेकिन एक रिवर्सल पैटर्न इसका जरूर बना है, लेकिन ये स्टील बियरिश ठीक है। अच्छा, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड जोन, तो ये देखिए ये सप्लाई जोन था, ये डिमांड जोन था, इसका नीचे आया था, लेकिन इसका नीचे आज ये मतलब 375 तक इसका चला आया, 350 तक ठीक है। इसका नीचे कल भी बोला था ये 375 ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, तो 350 को ये टच कर लिया है, तो इसमें इसका ऊपर गया था ये 400 पॉइंट का इसका रिकवरी दिया, 744 में 14744 में इसका रिकवरी हुआ है, जो भी ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल था ठीक है।
तो ये देखिए इधर से जो ये नीचे आएगा तो इसका एक जो पैटर्न तो कैसे नीचे आने का चांसेस है वो आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया है। तो फिलहाल ये जो पियर्सिंग पैटर्न बना है तो इसका ये लास्ट स्विंग लो जो हाई जो था 14,865 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसका ऊपर का जो लेवल दिखेगा 14,963 ठीक है, इसका ऊपर का ये जो स्विंग हाई है 14,015 के ऊपर, उसके ऊपर 15,000 के ऊपर और भी ऊपर जा सकता है ठीक है, 15,700 का ऊपर सॉरी 15,400 का ऊपर ये जा सकता है। अच्छा तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आप दिखाऊंगा, तो नीचे का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट जो इसका देख रहा है 14,000 नीचे का सपोर्ट इसका जो दिख रहा है इसका है 14,730, 14,760, 14,716, 14,695 इसका नीचे 14,634, 14,626, 14,579, 14,564, 14,500 इंटरडे सेटअप अगला दिन कैसे रहेगा वो भी मैंने बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिए आप लोग का बहुत ही फायदा होगा। 14,512 और 14,477, 14,460, 14,384, 14,358, 14,300 इसका नीचे 14,212 ठीक है। और आप लोग कमेंट द्वारा जरूर बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, कुछ बेनिफिट होता है कि नहीं होता है चैनल देख के या वीडियो देख के। यानी 14,032 का नीचे का जो लेवल है 13,921, 13,890, 13,884 ठीक है, ये लेवल आ सकता है। 13,800 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके मैं नीचे 13,800, इसका नीचे 13,764 और इसका नीचे 13,600 का लेवल ठीक है। और अप साइड में इसका जो लेवल्स दिख रहा है इसका अप साइड का जो लेवल इधर से तो लेवल बताया 14,730 के, अच्छा इसका जो जिधर क्लोजिंग दिया है 14,765 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा ठीक है। इसका ऊपर का जो लेवल है 14,812, इसके ऊपर 14,835 का ऊपर 14,853 के ऊपर 14,879, 14,899 मतलब 14,952, इसका ऊपर 14,980 ठीक है। 14,000 निफ्टी में 5-7 पॉइंट और बैंक निफ्टी के 10-12 पॉइंट आप लोग बफर रख सकते हैं। 14,527 के ऊपर 15,000 का ऊपर 15,141 14,280, 14,257, 15,324, 15,380, 15,431 ये सब अपसाइड लेवल्स देख सकता है ठीक है। अच्छा कुछ इंडिकेटर्स भी ऑन कर लेता हूँ, इंडिकेटर्स ऑन करके इसमें क्या दिख रहा है वो भी आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ ठीक है। अच्छा इसका इंडिकेटर्स का लेवल्स कुछ दिख रहा है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये देखिए इधर से ये जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है ना 15,000 में ठीक है ये दिख रहा है ठीक है। और इसका ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी इसका बहुत बढ़ जाएगा, और नीचे इसका 14,375 ठीक है। ये जो एक रेंज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। अच्छा इसका ये जो लेवल दिखा रहा है इसमें कुछ दिखा आप लोगों को दिखा देता हूँ, इंडिकेटर्स का जो लेवल्स दिख रहा है अपसाइड में इसका जो है अपसाइड में 14,861 एक्चुअली ये 14,861 का जो लेवल, एक मिनट नेट में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत।
इधर ठीक से प्लेस नहीं हो पा रहा है। अच्छा इसका इसका जो है इसका 14,795 एक लेवल है, उसके बाद 14,861, उसके बाद 14,897, ठीक है, और उसके बाद 15,000 का लेवल आ सकता है, ठीक है। इसके बाद इसका 14,990 15,000 का लेवल आ सकता है, और डाउन साइड में इसका जो लेवल है इसका 14,630 14,558 जो ये सब लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है। 14,558 14,445 ये सब लेवल्स इसका इंपॉर्टेंट आएगा। अच्छा और एक चीज़, 14,745 में एक लो था, या 14,744 में ये क्लोजिंग दिया है, ठीक है। 14,721 और 14,745 इसी का बीच में ये मतलब क्लोजिंग दिया है। अच्छा मैंने 5 मिनट का चार्ट में दिखाता हूँ कि इंटरडे ट्रेडिंग सेटअप कैसे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डे में इंटरडे का ट्रेडिंग सेटअप कैसे हो रहा है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। इधर से देखिए एक लॉन्ग टर्म का एक ट्रेंड लाइन इसका ब्रेक हो चुका है, ठीक है। बहुत दिन से मैंने एक बार इंडिकेटर को ऑफ करके दिखाता हूँ, इंडिकेटर को ऑफ करके एक बार दिखा देता हूँ। एक लॉन्ग टर्म का पैटर्न इसका ब्रेक हो गया है इंटरडे का। देखिए इधर से देखिए, आप लोगों को भी देखने से अच्छा ही लगेगा, कमेंट द्वारा ज़रूर बताएंगे। तो इधर से देखिए एक लॉन्ग टर्म, मैंने चार्ट को छोटा किया है, कितना शानदार तरीका से एक पैटर्न बनाया है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन था, इधर से एक बार सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, इधर से भी एक बार रेजिस्टेंस लिया, लेकिन ये आज इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। इधर से एक ट्रेंड लाइन इसका ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इधर से ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो चुका है, ब्रेक होकर इस स्विंग लो हाई तक इसका पहुंच चुका था, ठीक है। इस स्विंग हाई तक इसका पहुंच चुका था, ठीक है। तो सॉरी इस स्विंग हाई, इसका जो नेक्स्ट अपर स्विंग हाई जो देख रहा है इसका 14,810 के आसपास, 14,810-18,812 कुछ बाफर रख सकता है। इसका ऊपर का कोई भी लेवल आप लोग को मिलेगा तो इसका नेक्स्ट हो सकता है 14,833, इसके बाद 14,853 14,875, ठीक है। मैंने इंडिकेटर्स को फिर से ऑन कर देता हूँ, उसमें आप लोगों को और भी लेवल्स आप लोगों को दिखाऊंगा। तो एक मिनट इसका दिखा देता है, एक मिनट आप लोगों को क्लियरली दिखाऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आज नीचे का साइड में भी आप लोगों को दिखाऊंगा कहां पर इसका नीचे का ट्रेंड आप लोग ले सकता है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, ये इसका पूरा नहीं आ रहा है अभी तक, आया नहीं है इसका इंडिकेटर, शॉन नहीं हो रहा है इधर से कुछ। हाँ अभी पूरा आया है, कुछ क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा तो इधर का जो अपसाइड का जो लेवल है, अपसाइड में आप लोग जो अपसाइड का जो लेवल दिख रहा है 14,000 अपसाइड का जो लेवल है, हाँ 14,765 के ऊपर आप लोग अपसाइड का ट्रेंड ले सकता है। इसके ऊपर
यह 14,765 के ऊपर, इसका आप लोग 14,797, 14,826, 14,843 के तक इसका ले सकता है। 14,843 नहीं, 14,000 एक्चुअली मेन ट्रेंड रहेगा 14,865 में। 14,843 इसके ऊपर का जो लेवल हो सकता है 14,865, 876, उसके बाद 14,890, उसके बाद 14,921, ठीक है, ये सब अपसाइड का लेवल्स आ सकता है। गैप अप ओपन हो जाएगा तो आप लोगों को इसीलिए दिखा देता हूँ। इसके बाद 15,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 15,000 के ऊपर, ये 15,042, 15,000 सॉरी 15,000 के ऊपर 15,078 जा सकता है। 15,078 इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है। इसके ऊपर 15,156, 15,156, 15,156 के ऊपर 15,182, 15,210, 15,257, ये सब अपसाइड का लेवल्स हो सकता है। अच्छा, नीचे का ट्रेंड आप लोग कहाँ पर लेंगे, ठीक है। नीचे 14,687 के नीचे आप लोग नीचे के लिए देख सकता है। 14,687 के नीचे, 14,687 के नीचे इसका ब्रेकआउट रहेगा। उसके बाद 14,687 के नीचे 14,637, उसके बाद 14,609, ठीक है, इसके बाद 14,577, 14,569, 14,560, और मेन जो रिवर्सल इसका आ सकता है 14,531, ठीक है। 14,531 के नीचे ये फिर से 14,453, 14,453 इसका भी नीचे 14,375, 14,296, ठीक है, 14,296, 14,218, 14,218, और इसका नीचे 14,104, ये सब नीचे का लेवल्स आ सकता है। इसके मेन जो लास्ट जो है 14,000 का नीचे 13,980 का नीचे, ये 13,980 का नीचे 13,131 तक बहुत जल्दी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका गया है बैंक निफ्टी का दिखा हूँ, इसके बाद बैंक निफ्टी को दिखाता है। अच्छा, बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी का नेट का प्रॉब्लम इतना हो रहा है कि इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है। बैंक निफ्टी भी वही पैटर्न बना है। बैंक निफ्टी भी आज इसका एक पियर्सिंग पैटर्न बना है, ठीक है, 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया है। और निफ्टी का जैसे बना था एक हायर हाई, हायर लो बना के चल रहा है, अभी थोड़ा सा लोअर हाई लोअर लो बना है, ठीक है, ये हाई गया था लेकिन ये हाई गया, ठीक है, लेकिन इसके बाद ये और भी एक इसका हाई हो सकता है, इसके बाद फिर से इसका बड़ा फॉल हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं फिलहाल इसका स्ट्रेंथ, RSI वगैरह का स्ट्रेंथ क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। स्ट्रेंथ स्पीड भी मैंने बोल रहा हूँ कि 42 है, ठीक है। अभी वर्ल्ड मार्केट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है, वर्ल्ड मार्केट कहाँ पर क्लोजिंग होने देता है और अगला दिन कैसे ओपन हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। इधर से निफ्टी इसका RSI और बैंक निफ्टी और भी वीक है, 44 का आसपास है इसका RSI, प्लस DI माइनस DI के ऊपर है ADX, ठीक है, और ADX का स्ट्रेंथ 18 है, ठीक है, थोड़ा सा आप मतलब बड़ा है, मतलब बड़ा है, मतलब नेगेटिव स्ट्रेंथ बढ़ गया है, और MACD नीचे है, स्टोकास्टिक भी नीचे है, ठीक है, वॉल्यूम भी नीचे साइड नहीं दिखा रहा है, वॉल्यूम का साइड भी नीचे दिख रहा है, वॉल्यूम में कुछ बड़ा मूवमेंट कुछ नहीं दिख रहा है कि आज का जो मतलब बियरिस बना है इसमें वॉल्यूम कुछ वॉल्यूम का कुछ स्पाइक नहीं है, मतलब उसमें पॉजिटिव वॉल्यूम कुछ बाइंग वॉल्यूम कुछ नहीं है, ठीक है। तो इधर से देखते हैं इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। अच्छा, इसका जो जोन दिख रहा है, इसका जो जोन है 34,500 से 34,825, इसका जो जोन है 34,000 से 34,550, और निफ्टी का भी जोन देख सकते हैं आप लोग, वो जो ही जोन है आप लोग पहले वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं,
डिप्टी का जोन आप लोग देख ले सकते हैं 32,000 से 32,547, ठीक है। अच्छा, इसका सपोर्ट का रेजिस्टेंस दिखाता हूँ, इंडिकेटर को ऑन ही कर लेता है, इंडिकेटर को ऑन कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद अच्छा नीचे का जो, अच्छा इसका सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जोन जो है इसका 34,170, अच्छा इसका रेजिस्टेंस पहले दिखाता हूँ, 280 के आसपास, ठीक है, 280-290 पे, ठीक है। इसके ऊपर का जो लेवल है इसका मेल जो है 34,375, ठीक है, 34,375 इसका ऊपर का जो लेवल है 34,648, इसका ऊपर 34,707, इसका ऊपर 34,993, इसका ऊपर 34,135, 35,211, 34,651, 34,491, 34,658। अच्छा नीचे का जो लेवल है 34,130, 34,030, 34,725, और 33,552।33,832, 33,832, 33,732, 33,533, 33,537, 32,587, ये सब नीचे का लेवल्स हो सकता है, ठीक है। अच्छा 5 मिनट का चार्ट में दिखाता हूँ, इधर भी आप लोग देख सकता है, एक अंदर पैटर्न आप लोग को इधर से दिखाने का कोशिश करूँगा। तो देखिए इधर से थोड़ा सा इंडिकेटर ऑन करके थोड़ा सा क्लामजी लग रहा है, तो इधर से देखते हैं। देखिए ये जो ट्रे मैंने इंडिकेटर को पहले ऑन कर देता है, सॉरी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, वो भी निफ्टी का थोड़ा एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। तो इधर से देखिए ये जो एक लॉन्ग टर्म का ये इधर से साफ रेजिस्टेंस लिया था, इधर से रेजिस्टेंस लिया, लेकिन इधर से ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, तो मैंने इधर से इसको खींच सकता था, निफ्टी में भी मैंने इधर से इसका खींच सकता था, लेकिन मैंने इसका जो ज़्यादा टाइम इधर ये सपोर्ट लिया उस पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो उसी को मैंने रखने का कोशिश किया, ठीक है। आप लोग भी इसका कमेंट द्वारा बता सकते हैं आप लोगों को क्या राय है या आप लोगों को कैसा लग रहा है। अच्छा इसके बाद इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड सेटअप, इंट्राडे ट्रेड सेटअप कैसे हो सकता है आप लोगों को दिखाता हूँ। थोड़ा सा नेट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप लोग धीरे धीरे रख के पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। इधर से ये स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद इसका जो ये जो स्विंग हाई है, ठीक है, इधर जो स्विंग हाई है इधर इसका हो सकता है, अच्छा इसका जो नेक्स्ट स्विंग हाई इसका देख सकता है, एक मिनट, इसका चार्ट ठीक से नहीं देख पा रहा है। इसका ने जो स्विंग हाई इसका जो देख सकता है 34,179 के ऊपर, 34,179, 34,277, 34,375, 34,472, 34,570, 34,000
34,570 इसके ऊपर 34,663 इसके ऊपर 34,808, ठीक है 34,808। 35,000 में इसका मेन सपोर्ट आएगा, इसके बाद 35,000 के ऊपर जाएगा तो ये 35,500 तक इसका जाने का प्रॉबिटी बनेगा। अच्छा नीचे का जो लेवल है रिवर्सल कुछ होगा तो गैप डाउन या रिवर्सल कुछ रहेगा तो इसका मेजर जो पिवोट फंड है 33,984 33,984 का जाएगा, मतलब 33,886 33,799 33,691 33,593 33,496। और ये सब जो लेवल बताता हूँ आप लोग भी लाइव मार्केट में ऑब्जर्व कीजिए तो आप लोगों को बहुत ही एकदम सीएसएट का लेवल्स है इसका नीचे का ऊपर, ये आप लोग को बहुत ही मतलब हाई एक्यू के साथ साथ इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है 33,398 33,179 ठीक है 33,179 का नीचे 33,154 32,297 32,816 ठीक है, ये सब नीचे का लेवल्स इसका हो सकता है 32,455 32,455 ये सब नीचे का लेवल्स इसका हो सकता है। जो चार्ट एनालिसिस तो ख़त्म किया है, फिर से डेली करते था, उसके बाद मैंने इसका पोजिशनल दिखाऊंगा, चार्ट एनालिसिस के बाद मैंने ऑप्शन चेन दिखाऊंगा, ऑप्शन चेन में क्या स्थिति है, बेफाई डी आई बाइंग हुआ कि नहीं हुआ है, वो लोग बाई करके रखेंगे तो उसका क्या होगा, सेल करके रखेंगे तो उसका क्या असर हो सकता है, ये सब डिस्कस करना है। तो निफ्टी सी आर रेशियो जो है 0.98 है, पी सी आर रेशियो 0.98 है, 14,800 में इसका सपोर्ट बना है, सॉरी 14,900 में इसका सपोर्ट बना है, ऐसा रेजिस्टेंस बना है, 14,800 में भी रेजिस्टेंस बना है ठीक है, और 14,700 और 14,600 में सपोर्ट बना है, कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, पुश साइड में शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, लेकिन और थोड़ा सा बियरिश दिख रहा है ठीक है, पी सी आर रेशियो बढ़ा है तो पी सी आर रेशियो दिख रहा है, लेकिन आई भी नीचे नीचे गिर गया है, इसी का लिए ये जीरो मतलब ये हो सकता है नीचे का ट्रेंड दिख सकता है। अच्छा इधर कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग हुआ है 14,900 का लेवल पे ठीक है, शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है 14,800 का लेवल पे भी शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है ठीक है, इधर मतलब ये डी आई आई एक्टिविटी मतलब जो स्मार्ट मनी बोलता है और मेन जो स्मार्ट मनी प्ले कर रहा है इधर से 15,000 का लेवल पे ठीक है, इधर देखिए 44,000 ओपन इंटरेस्ट और नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट 7,790 ठीक है, तो ये 44,434 15,000 का लेवल पे देखिए 44,000 और 16,000 मतलब 60,000 ठीक है, और इधर से 22,000 15,037 और इधर से 15,025,000 और 16,000 मतलब 41,000 ठीक है, तो इधर से 15,000 से 15,600 का में एक रेंज बना के अभी चल रहा है, 15,600 का नीचे ये फिर से ये बियरिश हो सकता है, 15,000 के ऊपर ये फिर से अपसाइड जा सकता है, मतलब इधर से एक रेंज बना है और इधर से एक मैक्सिमम पेन बना है इधर इसका, और स्मार्ट मनी एक्टिविटी आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा दिख रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो ठीक है, इधर से आप लोग भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इधर भी बिग प्लेयर्स प्ले कर रहा है, इधर से सेलिंग कर रहा है फुट सेलिंग 25,000 में ठीक है, इधर सॉरी इधर 14,600 में पुट सेलिंग कर रहा है और 15,000 में देखिए इसका पुट कॉल बाइंग कर रहा है ठीक है, शॉर्ट कवरिंग कर रहा है, तो एक बियरिश मतलब एक बुलिश ट्रेंड इसका बन सकता है, 14,800 का लेवल पे भी शॉर्ट कवरिंग दिया है और इधर इतना मतलब कॉल साइड में जो 14,800 का लेवल पे कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है पुट साइड का हिसाब से ठीक है, और इधर से 14,900 का लेवल पे जितना 14,800 का लेवल पे जितना मतलब ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जितना है उससे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 14,600 का लेवल पे है, मतलब सपोर्ट स्ट्रांग है और ये रेजिस्टेंस वीक है, मतलब थोड़ा सा एक रिवर्सल पैटर्न बना है, लेकिन फिर भी मैंने बोलता हूँ ट्रेंड बियरिश है ठीक है, मतलब बियरिश है, इसके अंदर ये जो बुलिश ट्रेंड दिख रहा है ये आपसे वो आप लोग को चार्ट का पैटर्न का हिसाब से कैसे आप ये आपसे डाउन साइड हो सकता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आएगा, जब ये हाई हाई लो बना था मैंने चार्ट में ऑलरेडी दिखा दिया है, ये ऊपर जाएगा तो ये फिर से एक बड़ा फॉल इन इसका आने का प्रोबेबिलिटी इसका बनेगा ठीक है। अच्छा निफ्टी का बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी में इसका क्या स्थिति है, बैंक निफ्टी में क्या स्थिति है वो एक बार देख लेते हैं,
अच्छा, तो इधर से इसका पीसीआर रेशियो, बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो 0.82 है, बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो 0.82 है, 0.82 है। इधर से 34,500 में रेजिस्टेंस बना है और 34,000 में सपोर्ट दिख रहा है, 34,000 में सपोर्ट दिख रहा है। और इधर चौथे इधर इधर भी देखिए, इधर इसका जो बन रहा है 35,000 में, इसका मेन एक्चुअली सपोर्ट दिख रहा है, इसका ऊपर ही ऊपर जाएगा। और 34,000 में, 34,000 में इसका मतलब ये 34,000 से 34,000 इधर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इधर से 20,000, 30,000, 43,000, और इधर से 26,000 और 8,000, 34,000, ठीक है। और बीच में इसका जो है, और इतना 16,000, 8,000, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो 34,000 और 35,000 में इसका मेन प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इसका रेंज पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, 34,500 का ऊपर अपसाइड ले सकते हैं, और 33,000 के नीचे इसका मतलब सेल ट्रेड बनेगा। अच्छा, कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप, पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप, पीसीआर रेशियो थोड़ा सा बड़ा है, और लेकिन आईबी गिर गया है, ठीक है। तो इसी का रेंज पे अब लोग, ये सिनेरियो है निफ्टी में, निफ्टी का पीसीआर रेशियो का मतलब ऑप्शन चेन का, ऑप्शन चेन में बहुत कुछ समझ सकता है अब लोग, बिग प्लेयर्स का मूवमेंट अब लोग पकड़ ले सकता है। तो अभी अच्छा एफआईआई डीआई एक्टिविटी चार्ट का पैटर्न तो आप लोग देख लिया है, लेकिन बिग प्लेयर्स कुछ धोखा दे सकता है। तो एक्चुअल ट्रेंड बेयरिश है, लेकिन मार्केट को कुछ ऊपर लेके जाए जा बाई करके रखता है, तो उन लोग का जब ऑर्डर पूरा फुलफिल हो जाएगा, उसको जब सेल करेंगे तो उसका हाई प्राइस में जब सेल करेंगे, सेल करेगा वो लोग, तो उसका तब मार्केट नीचे गिरा बढ़ा सकता है। तो हम लोग जब रिटेन ट्रेडर है, फंस जाता है, जो कॉल से मतलब कॉल बाई करके रखता हूँ, उस टाइम वो मतलब जब सेल कर देता है, तो फिर से जब हम लोग मन सोचता है कि पुट मार्केट नीचे आएगा, तो फिर से ये मतलब अपसाइड में जाता है। तो ये सब चीज़ मार्केट का एक हम लोग को समझने का कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एफ आई आई डी आई दोनों ही देखिए बाई किया है, ठीक है, और एफ आई आई डी आई दोनों का ही ये बाई किया है, ठीक है। तो वर्ल्ड मार्केट को भी देखना चाहिए, लेकिन आप लोगों को सब कुछ समझाया, चार्ट का भी, चार्ट भी समझा, ऑप्शन चेन भी समझाया, चार्ट का पैटर्न क्या दिख रहा है, बियरिश ट्रेंड दिखा रहा है, थोड़ा सा एक अपसाइड का 5 मिनट का कैंडल, चार्ट में थोड़ा सा अपसाइड का कैंडल भी ब्रेक हो चुका है, ठीक है। इधर से ये चार्ट, ये लाइव चार्ट क्यों नहीं दिख रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसका कुछ कलर दिख रहा है। एनी वे वर्ल्ड मार्केट ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ, इधर से दिखा रहा हूँ, इधर मैंने मेरा ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म में लगा के रखा है। तो इसका देखिए नैसडक जो चल रहा है, अभी नैसडक जो चल रहा है ये 12,750 का लेवल पे चल रहा है, मतलब गिरावट हुआ है, और ये अभी गिरावट दिख रहा है, रात में फिर से अपसाइड दिखा सकता है। और एस जी एक्स निफ्टी भी 14,682 का लेवल पे चल रहा है, मतलब इसका गिरावट दिख रहा है। तो मार्केट में आप लोग ये जान सक समझ सकता है कि एफ आई आई डी आई जो बाई किया है, पर्टिकुलर एफ आई आई जो बाई किया है, मार्केट को जरूर थोड़ा सा आप में जरूर ले जाएगा, गैप डाउन भी ओपन हो जाएगा, तो फिर भी मार्केट पहले आप में जाएगा, ये आप लोग बता सकते हैं। 14,800 के आसपास से जरूर इसका बड़ा फॉल आ सकता है, ठीक है। तो करेंट मार्केट प्राइस इसके 14,744, 14,860 के ये जब बाई किया है, 14,860 तक इसका लेने जाने का या 14,900 का जाने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन फिर से मैंने बोल रहा हूँ, मार्केट का ट्रेंड जो है, जो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो क्लियरली बेयरिश है, वो मैंने फिर से आप लोगों को दिखा दिया था, ये कैसे इसका लोअर हाई, लोअर लो बना है, फिर से एक मतलब हाई बनाएगा, लेकिन अगला हाई से कम होगा, फिर से एक बड़ा फॉल आने का प्रोबेबिलिटी बनेगा। डो जोन्स भी नीचे दिख रहा है, ठीक है, वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा नीचे ही दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मैंने निफ्टी बाय निफ्टी का एनालिसिस खत्म करता हूँ। मैं कुछ स्टॉक्स का पोजिशनल व्यू दिखाऊंगा, कुछ स्टॉक्स का पोजिशनल व्यू दिखाऊंगा। महिंद्रा 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 फिनांस का इसका दिखाता हूँ, महिंद्रा महिंद्रा फिनांस इसके अंदर मैंने दिखाना चाहता हूँ, चार को चार मैंने दिखाऊंगा,
तो इधर देखिए एक बड़ा कैंडल इसका जो बना है, इसका जो एक बड़ा कैंडल बना है, ये पिछले तीन चार कैंडल को एक एक मतलब एनगल्फ करके रखा है, ठीक है। ऑलमोस्ट इसका ये जो स्विंग हाई था, लास्ट जो स्विंग हाई था, इसका ऊपर चला गया। तो इसका लेवल मैंने बताता हूँ, ठीक है। जो गैप डाउन होगा तो इस कैंडल का लोस का आसपास से कोई भी, सोच लीजिए मार्केट का गैप डाउन मिला है, ठीक है, ये मार्केट नीचे आ जाएगा, तब भी आप लोग जो लोग अप साइड में बाई करेंगे तो इस कैंडल का लो तक, इसको इस कैंडल का जो लो है सोच लीजिए 198, ठीक है, 198 पहुँचा, तो इस लो कैंडल को नीचे आ सकता है, नहीं तो इस कैंडल का अपसाइड में कोई भी इसका ले सकता, मतलब लेवल हो सकता है 100 212.50, ठीक है, 212.5 इसका लेवल है, इसका ऊपर का जो लेवल है 225 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 225 के ऊपर ये ऊपर जा सकता है, 225 का ऊपर जा सकता है, 248 का लेवल के ऊपर नीचे आ सकता है, 248 के ऊपर 248 तक टारगेट रख सकता है। अच्छा, झील को दिखाता हूँ, अच्छा इसका देखिए ये भी दो तीन कैंडल को एक साथ मतलब एनगल्फ किया है, मतलब स्ट्राइक आउट किया है, इसको थ्री लाइन ब्रेकआउट या टू लाइन ब्रेकआउट भी बोल सकता है, पैटर्न ऐसा पैटर्न इसका बना है, एक कैंडल में पूरा इसका एनगल्फ करके रखा है। 203 का आसपास से इसको बाई हो सकता है, 210 का लेवल से भी बाई हो सकता है, 218.75 इसका ऊपर, 226, 234, 242, 250, 257, ये सब मतलब 203 का आसपास से आप लोग कोई भी नीचे आएगा तो कोई भी लेवल से नीचे जा सकता है। और जो लोग ऑलरेडी बाई करके रखा है इस 203 तक इसका एवरेज कर सकता है, होल्ड कर सकता है, और नया लोग जो है 218.75 के ऊपर बाई हो सकता है, ठीक है। अच्छा, टाटा केमिकल्स का इसको दिखाऊंगा पोजिशनल के लिए, ये भी देखिए एक रिवर्सल कैंडल बना है, इसका एनगल्फिंग किया है, ठीक है, जो अगला जो कैंडल है ये पूरा एनगल्फ करके रखा है, ठीक है। इसका जो लेवल है 750 के ऊपर 812 875, और नीचे का 687 तक इसका मतलब एवरेज हो सकता है, नहीं तो जब गैप डाउन होगा तो 687 के आसपास से बाई हो सकता है, ठीक है, उसका नीचे बाई मत करना, उसका नीचे 625 का लेवल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो है ये भी एक एनगल्फिंग पैटर्न बना है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, तो देखते हैं 112 का ऊपर, 115 का ऊपर, 115 65 118, जो लोग बड़ा करके देख सकता है कंप्यूटर में वो लोग देख सकता है कि इसका ये सब फिगर आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो, जो मोबाइल से हो सकता है पूरा नहीं आता है, ठीक है, ये सब हो गया है, ठीक है। तो चारों स्टॉक्स का दिखा दिया है, इसके बाद जो दिखाऊंगा कुछ स्टॉक ऑप्शन, सॉरी निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन का दिखा दूंगा, 34,500 बैंक निफ्टी, 33,500 निफ्टी, 14,800 कॉल और 14,600 पुट, देखते हैं इसका बैंक सेलिंग लेवल्स का आप लोग को दिखा देता हूँ। ये आप लोग कल अगला दिन मार्केट ओपन होगा जब इसको देख सकते हैं, इसका 472 ये सब का बाइंग, ये सब बाई लेविंग है, ये सब आप लोग मिल को सामने मिल जाएगा तो आप लोग जरूर बाई कर लेना, तो ये सब आप लेवल नेक्स्ट लेवल ये सब हो सकता है, अपना ये सबसे प्रॉफिट बुक हो सकता है। नीचे का लेवल ये सब नीचे आ सकता है, ठीक है, नीचे का लेवल ये सब बन सकता है। अच्छा, इसका जो है अच्छा, तो सॉरी ये जो इसके बाद इसका जो दिखाऊंगा जो है निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स दिखाऊंगा और कुछ स्टॉक्स का बाइंग सेलिंग लेवल्स दिखाऊंगा, ठीक है, स्टॉक्स के अंदर क्या दिखाऊंगा, देखते हैं वही चारों स्टॉक्स का दे देता हूँ, वही चारों स्टॉक्स का इंटरडे लेवल दे देता हूँ, ठीक है, चारों स्टॉक्स का इंटरडे लेवल्स दिखाऊंगा।
अच्छा, इसके बाद क्या दिखाऊंगा? एनटीपीसी, महिंद्रा 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 फिनांस को देखा था। अच्छा, हिंदुस्तान लीवर को देखा था। इसका कुछ एफएमसीजी में हिंदुस्तान लीवर आईटीसी को भी देखा था। वही ठीक है, हिंदुस्तान लीवर आईटीसी को देखा था है, क्योंकि बहुत ही आज आप में गया है, मतलब एफएमसीजी अच्छा कर रहा है। ठीक है, एफएमसीजी अच्छा कर रहा है। हिंदुस्तान लीवर देखिए 2328, मतलब 2329 के ऊपर ऊपर जाएगा, 2329 के ऊपर ऊपर जाएगा, और 2301 के नीचे या नीचे जाएगा। ठीक है, और ये सब नीचे का लेवल्स, ये सब नीचे का लेवल्स आ सकता है। और आप लोग इधर से कोई भी स्टॉक्स का बाइंसिंग लेवल्स नोट कर सकता है। और इसका रूल ये है कि सामने जो बाई लेवल, करंट मार्केट प्राइस का सामने जो बाइंग लेवल रहेगा या सेलिंग लेवल, उसी में घूमना है, कोई बीच का में कुछ घुसना नहीं है। 2337 में कोई एंट्री नहीं होगा। 2034 के ऊपर, 2043 के ऊपर फिर से एंट्री हो सकता है। ठीक है, ऐसा है, और सेलिंग साइड में भी ऐसा है। अच्छा, आईटीसी का देखता है 224.302, जो कुछ बफर रखना पड़ता है, 224.30 या 40 के ऊपर भाई हो सकता है। ये सब अपसाइड का लेवल हो सकता है, और ये सब डाउन साइड का लेवल, ये सब हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसका हो गया है। अच्छा, जील और टाटा केमिकल्स को देख लेते हैं। अच्छा, महिंद्रा महिंद्रा, हाँ महिंद्रा महिंद्रा को भी देख सकते हैं। 217.50 के ऊपर बाई हो सकता है। ये सब अपसाइड का लेवल्स मिलेगा, ये सब अपसाइड का लेवल्स मिलेगा। और डाउन से आप लोग भी ये सब इसको लाइन को फॉलो कर सकता है, और नीचे 212.20 को या 212.30 को नीचे सेल कर सकता है। ये सब नीचे का लेवल्स इसका आ सकता है। अच्छा, इसका जो लेवल है, इसका जो लेवल है, अच्छा मारुति को दिखाएंगे। अच्छा, झील को दिखा देता है। झील भी अच्छा चला है, झील झील और टाटा कमिश का जो इतना नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, 218.80 के ऊपर वो आप सकता है, ये सब आप साइड में देख सकता है। अच्छा, इसका जो, अच्छा बैंक निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स देखते हैं। ये सब अपसाइड का लेवल्स है। ठीक है, अपसाइड का लेवल्स है, और इधर से डाउन साइड का लेवल्स, ये सब देख सकता है। ये डाउन साइड का लेवल्स है, ये सब लेवल्स देख सकता है। ठीक है, ये डाउन साइड का लेवल्स देख सकता है। अच्छा, हो गया है। अच्छा, और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा देता हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा देता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा देता हूँ। इंसर्ट दबा, NR4, NR7, NR6 कैंडल होना है। हाँ रही, हाँ लो, लोअर हाई, लोअर लो, पॉजिटिव एम आर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड एम आर, ये सब भी बन सकते हैं, ये सब भी देख सकता है। मास्टर लॉन्ग, मास्टर शॉर्ट, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, शेकआउट, ये सब भी देख सकता है। लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न, लॉन्ग टेल कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश रिवर्सल, बियरिश रिवर्सल, ये सब भी देख सकता है। बुलिश रिवर्सल, बियरिश रिवर्सल, ये भी देख सकता है। किकर सिग्नल, डार्क क्लाउड कवर, ट्रायंगुलर पैटर्न, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये सब भी देख सकता है। ट्रेंड लाइन पैटर्न, ये सब भी देख सकता है। ट्रेंड लाइन पैटर्न, ये सब फ्लैग पैटर्न, फ्लैग पैटर्न कुछ बना है क्या, नहीं बना है, एक बार देख लेते हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये सब भी बना है।
वीडियो यही ख़त्म करता है दोस्तों। कहाँ होगा आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट द्वारा जरूर बताना कैसे लग रहा है, कमेंट में जरूर पोस्ट करना तो मेरा भी एक मोटिवेशन रहेगा। तो वीडियो यही ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर चैनल को और शेयर भी जरूर कीजिएगा।